पाँच साल पाकिस्तानी आर्मी के बीच खुद को बचाते हुए हिंदुस्तान को कई अहम जानकारियां दी, जिसके कारण भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा। लेकिन एक गलती के कारण उनकी पहचान पाकिस्तान में जाहिर हो गई और उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े जासूस रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म साल 1952 में राजस्थान के गंगानगर में एक पंजाबी परिवार में हुआ। रविंद्र कौशिक बचपन से अभिनय करने का शौक था। 1975 में ग्रेजुएशन के दौरान रविंद्र कौशिक ने नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया। इस दौरान हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ की नज़र रविंद्र कौशिक पर पड़ी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद खुफिया एजेंसी रॉ में शामिल हो गए। रॉ एजेंसी रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजना चाहती थी, इसलिए रॉ ने रविंद्र कौशिक को उर्दू पढ़ना और बोलना सिखाया और पाकिस्तान की जगहों के बारे में बताया। पूरी तैयारी के बाद उन्हें नबी अहमद शकीर बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र कौशिक ने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। अपनी मेहनत और काम करने के तरीके से उन्हें प्रमोशन मिली और उन्हें पाकिस्तान आर्मी का मेजर बना दिया गया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी कर ली। रविंद्र कौशिक ने साल 1979 से 1983 तक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पाकिस्तान से कई खुफिया जानकारी भेजी, जिससे भारत को काफ़ी मदद मिली। उनके शानदार काम करने के कारण भारतीय खुफिया एजेंसी में ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। रविंद्र कौशिक को यह नाम भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया था। किसी दिन वह पाकिस्तानी आर्मी के चीफ भी बन सकते थे, लेकिन 1983 में एक गलती के कारण रविंद्र कौशिक की पहचान पाकिस्तान में जाहिर हो गई। दरअसल 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने रविंद्र कौशिक की मदद के लिए दूसरे जासूस को पाकिस्तान भेजा, लेकिन उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया, जिसके बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ने रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया और 2 साल तक उन्हें कड़ी यातनाएँ दी। इसके बाद 1985 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, इसे बाद में बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। रविंद्र कौशिक ने अपने जीवन के 16 साल अलग अलग जेल में बिताए। अंत में 2001 में टीवी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। रविंद्र कौशिक ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। वह जिए तो देश के लिए और मरे भी देश के लिए। ऐसे वीर योद्धा को हमारा सलाम। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।